तुम चिंता मत करो, इस बार ना केवल मैं तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्रिकाएं दूंगी, अपितु अपनी शक्ति से तुम्हें तुम्हारे घर भी पहुंचा दूंगी, ताकि तुम्हारा धन रास्ते में कहीं खो ना जाए। ये लो, इसे संभाल कर रखना। माता, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। अब तुम सीधा अपने घर पहुंचने के लिए सज्जे हो जाओ। भाग्यदेव, कदाचित अब मुझे आपके साथ आने की आवश्यकता नहीं होगी और ना ही आपको मेरे लोक आने की। अब मैं चलती हूं। प्रणाम। अरे देवी धनलक्ष्मी की जय हो, उनकी कृपा मुझ पर हो गई। जय हो देवी धनलक्ष्मी की। अरे तुम्हें पता है, आज बिना विघ्न के और बिना अर्चन के और अपने निवास स्थान पे पहुंच गया। चमत्कार हो गया, चमत्कार हो लेकिन गया है। हुआ क्या है? अरे मत पूछो क्या हुआ है, और ये पूछो कि क्या होने वाला है। अरे देखो, माता जी का दिया हुआ धन इस बार विलुप्त नहीं हुआ, मेरे हाथ में है। अरे देखो, अरे देखो, अरे हम हो गए रे धनवान। कि तूने क्या खेल खेला भगवान, कि हो गए हम धनवान। किंतु इसमें कितनी मुद्रिकाएं हैं? इस बार देवी माता ने पूरे 100 मुद्रिकाएं दिए हैं। अरे मैं तो धनवान हो गया, मैं तो धनवान हो गया। तूने क्या खेल खेला भगवान। शांति बनाए रखिए, अपना ये नृत्य बंद करिए, अन्यथा किसी को पता चल सकता है ना। हाँ तुम उचित कह रही हो, और इसे मैं कुटिया में छुपा देता हूँ। हाँ, और मैं आपके लिए आपके रुचि का भोजन तैयार कर लेती हूँ। इस थैली को कहाँ छुपाऊं ताकि किसी की दृष्टि इस पे ना पड़े। नहीं, इस पोटली में तो किसी को भी पता चल सकता है। इस मटके में नहीं, यहां से तो कोई भी सरलता से निकाल सकता है। इस थैली में किसी को भी धन होने का संदेह हो सकता है। सबसे पहले मुझे इसका तोड़ निकालना होगा। अच्छा होगा इन मुद्रिकाओं को मैं कुछ समय के लिए इस लवण के बर्तन में रख दूं। अब इस थैली को यहां छिपा देता हूं। अब मैं शीघ्र ही रातों रात लोहार से गुप्त संदूक बनवा लेता हूँ, फिर सारा धन छिपाकर आंगन में दबा दूंगा। हाँ, मैं शीघ्र ही हट से लौटूंगा। किंतु आपने मुद्रिका कहाँ रख दिए? तुम चिंता मत करो, मैंने छिपा दिया है। अब उनसे कहूंगी हमारे लिए एक अच्छा सा भवन बनाए। अब तो मानो अब इस कुटिया में दम घुटता है। किसका दम घुट रहा है सावित्री? अरे दीदी, वो भोजन बनाते बनाते दम घुट जाता है ना, तो बस वही बड़बड़ा रही थी। अब तो बाद में बड़बड़ा लेना। ला, मुझे तनिक लवण दे दे, भोजन में कम पड़ गया है। भीतर ही रखा है दीदी, आप ले लीजिए ना। तू आज भी आलस करती है, और मुझे देख, मैं लवण लेने के लिए तेरे घर तक आ गई। लवण का बर्तन तो दिख ही नहीं रहा है सावित्री। ध्यान से देखिए दीदी, सामने ही होगा। हाँ, दिख गया,
मैं ले लेती हूँ, जाने इसका आलस कब जाएगा। इतनी सारी स्वर्ण मुद्रिकाएं, किंतु ये इस निर्धन के पास में कहां से आ गई? और उससे भी बड़ी बात तो ये है, यदि सावित्री को इसके बारे में ज्ञात होता तो कदाचित वो मुझे लवण लेने नहीं बोलती। ले लिया लवन? हाँ, ले लिया। थोड़ी देर बैठ जाइए ना दीदी, आप थक गई होंगी ना। नहीं नहीं, फिर कभी, भोजन भी नहीं पका है ना, तो मैं कल आती हूँ। अब तक मैंने 100 स्वर्ण मुद्रिकाएं लकड़हारे को दी हैं, वो धनवान हो चुका होगा। किंतु भाग्यदेव को मैं कैसे समझाऊं कि जहां लक्ष्मी निवास करती है वहां भाग्य की आवश्यकता नहीं पड़ती। भाग्यदेव तो मानने से रहे, इसलिए ये प्रमाणित करने के लिए मैं स्वयं उस स्थान पर जाकर देखना चाहती हूँ कि वो लकड़हारा पुनः लकड़ियाँ काटने आता है अथवा नहीं। किसी ने सत्य कहा है, जब भाग्य में नहीं है धन तो कितना भी कर लो खनन, कुछ नहीं मिलने वाला। लक्ष्मी माता ने मुझे 3 बार अवसर दिया मुझे धनवान बनने का, लेकिन लगता है कि मेरे भाग्य में यही लकड़ी काटना लिखा है। लकड़हारे, प्रणाम माते। ये मैं क्या देख रही हूँ, तुम पुनः एक निर्धन व्यक्ति के भांति इस वन में लकड़ियां काटने आ गए? निर्धन के भांति नहीं माते, अपितु मैं अभी भी वही पुराना निर्धन लकड़हारा हूँ जो अपनी निर्धनता के कारण विवश है। किंतु कैसे, मेरी दी हुई 100 स्वर्ण मुद्रिकाओं का तुमने क्या किया? वो तो लुप्त हो गए माते। ये तो घोर आश्चर्य की बात है, मैंने तुम्हें 3 बार धन दिया और तुमने उसे 3 बार लुप्त कर दिया। कदाचित वो धन मेरे भाग्य में होगा ही नहीं माते, इसलिए वो लुप्त हो रहा है। तो तुम ये मानते हो कि ये सब दुर्भाग्य के कारण हो रहा है? हाँ माते। किंतु भाग्य चाहे तो दुर्भाग्य को भी बदल सकता है देवी। बस एक अवसर भर की देर है। उचित है, दिया आपको एक अवसर।
ये लो लकड़हारे, आज स्वर्ण मुद्रिकाएं आपको देवी लक्ष्मी नहीं मैं दूंगा, इसका ध्यान से उपयोग करना। चलिए देवी, हमें इसका परिणाम कल ही देखने को मिलेगा। उचित है। प्रणाम। अब मैं इस स्वर्ण मुद्रिकाओं को कभी स्वयं से दूर नहीं करूंगा। मैं अपनी कुल्हाड़ी से रोज वृक्षों को तो काटता हूं, क्यों ना आज इस खो में चला के देख लूं, क्या पता कि मेरी खोई हुई स्वर्ण मुद्रिकाएं मुझे मिल जाए। अरे ये तो चमत्कार हो गया, मेरे खोए हुए स्वर्ण मुद्रिकाएं मिल गए मुझे। अब मैं किसी भी मूल्य में इसे खोना नहीं चाहूंगा। यदि मुझे मूषक के विल में कि मेरे 10 स्वर्ण मुद्रिकाएं मुझे प्राप्त हो सकते हैं तो एक बार यहाँ भी प्रयास कर लेते हैं, क्या पता यहाँ भी कुछ चमत्कार हो जाए। ये तो वही स्वर्ण मुद्रिकाएं हैं जो नदी में खो गई थी। अरे अरे मुझे सारी स्वर्ण मुद्रिकाएं मिल गई। हे भगवान, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। इस प्रकार प्रत्येक दिन ये मुझे हंसा हंसा कर लोटपोट कर देते हैं पन्ना। स्वर्ण मुद्रिकाएं चोरी होने के बाद भी ये इतने प्रसन्न कैसे रह सकते हैं भला? अवश्य इसमें कोई गहरा भेद होगा। ईश्वर करे तुम दोनों सदैव ही ऐसे हंसते हंसाते रहो। किंतु क्या तुम्हें अपनी निर्धनता पर तनिक भी दुख नहीं होता? तुम अपनी अति विश्वासी हो पन्ना, इसलिए केवल ये गुप्त बात सिर्फ तुम्हें ही बता रही हूँ। धनवान तो हम भी हो ही गए थे, किंतु आज जीवित भी उस धन के ना होने के कारण ही है। एक प्रकार से समझाऊं तो उस धन से पीछा छूटा। वो भला कैसे? जाने दे, फिर कभी बताऊंगी, बहुत लंबी कथा है। कहीं ये उसी धन की बात तो नहीं कर रही जो मैंने इसके यहाँ से चुराया है? फिर तो जानना आवश्यक है कि इसने उस धन से अपना पीछा क्यों छुड़ाया। अभी अभी तो तू कह रही थी कि मैं तेरी अति विश्वासी हूँ,
तो क्या इतनी सी बात मुझे नहीं बताएगी? बताना। तो सुन, कुछ दिन पहले मेरे स्वामी को एक धन की पोटली मिली थी जिसमें 100 मुद्रिकाएं थी। वो उस धन को घर तो ले आए, किंतु हमें बाद में पता चला वो राजा के महल से चोरी हुआ है। उस धन को राजा के सैनिक नगर नगर में जाकर सभी के घरों में ढूंढ रहे हैं। ये सुनकर तो हमारे प्राण कंठ पे ही अटक गए। फिर क्या हुआ? फिर क्या, हम उस धन से पीछा छुड़ाने ही वाले थे कि हमें अकस्मात ही पता चला कि वो धन हमारे घर से किसी ने चोरी कर लिया। इस प्रकार तो उस धन के कारण हमारे प्राण तो जाते जाते बचे हैं। मैं तनिक आती हूँ, मुझे कुछ कार्य स्मरण हो आया। कदाचित अब वो वही करे जैसा मैंने सोचा है। अरे क्या हुआ पन्ना, तुम पुनः चली आई? अब हाँ, अब क्या बताऊँ तुझे, आज फिर से घर में लवण समाप्त हो गया है। थोड़ी सी उधार मिल जाती तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुझे भला कभी मैंने मना किया है? लवण का बर्तन भीतर ही रखा है, जाके ले ले। हाँ हाँ, मैं स्वयं ही ले लेती हूँ। धन इसे मिले और दंड मुझे। ये सावित्री भी कुछ कम चतुर नहीं है, किंतु अब इसकी चतुराई निकलने वाली है जब ये धन पुनः राजा के सैनिकों को वापस प्राप्त होगा। अच्छा ही है दोनों पति पत्नी को चोरी के आरोप में कारावास का दंड मिल जाए, और फिर ये कुटिया भी मैं ही हड़प लूंगी। अब ये धन पुनः इसी लवड़ के बर्तन में वापस रख देती हूँ। मिल गया ना लवण? हाँ हाँ मिल गया, तरकारी बनाकर शीघ्र ही आकर मिलती हूँ तुझसे। उचित है। अरे सुनो सावित्री, शीघ्र बाहर आओ, आओ जल्दी। अरे मैं तो हो गया रे धनवान, तूने क्या खेल खेला भगवान, मैं हो गया धनवान। देखो मेरा पुराना धन मिल गया जो लुप्त हो गया था। मुझे भी वह धन प्राप्त हो गया स्वामी जो हमारे घर से लुप्त हो गया था। ये 100 स्वर्ण मुद्रिकाएं इस लवण के बर्तन में पुनः आ गए। अरे मैं तो हो गया रे धनवान, तूने क्या खेल खेला भगवान, मैं तो हो गया रे धनवान, तूने क्या खेल खेला है भगवान, मैं तो हो गया धनवान, तूने क्या खेल खेला भगवान। हे भाग्यदेव, मेरे भ्रम को दूर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी आभार है देवी, आपने मुझे ये अवसर दिया। इस प्राणी जगत को भी ये पता चलेगा कि भाग्य और लक्ष्मी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, कोई उनसे भिन्न नहीं है। आइए विराजिए। इस प्रकार धन लक्ष्मी को स्वीकार करना पड़ा कि धन तो भाग्य से ही आता है। परशुराम, अब तुम्हें देवी लक्ष्मी के शेष स्वरूप को भी प्रसन्न करना है वत्स। अवश्य माता, अब मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु। प्रणाम। कल्याण।
जिस परशुराम ने मुझसे मेरा निवास छीना, उसे तो अब ये बाण मिलने से रहा, किंतु अब मुझे शीघ्र ही कोई दूसरा निवास ढूंढना होगा। ये रही मेरी चाल, अब तुम चलो। हमारा जीवन कितनी आनंद से कट रहा है ना स्वामी। हाँ, जब खेत अनाजों से भरा हुआ हो और तिजोरी में धन रखने के लिए कोई स्थान रिक्त ना हो, तो दिन तो आनंद से कटेंगे ही ना। ये आपके परिश्रम का परिणाम है स्वामी। बस किसी की कुदृष्टि ना पड़े हमारे सुखों पर, हम सदा ऐसे ही प्रसन्न रहें। मिल गया स्थान, अब मैं उस धनी व्यक्ति की पगड़ी में प्रवेश कर जाती हूँ। इस समय मेरे लिए यही उचित स्थान रहेगा। किंतु तुमने भी हमारे जीवन में बहुत सुख दिया है, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, उसे पूर्ण कर देते हैं। तो सुनिए, मेरी ये इच्छा है कि अब इस खेल को यहीं विराम कर देते हैं, क्योंकि रात्रि बहुत हो चुकी है स्वामी। जो आज्ञा देवी, हम आपकी इच्छा अभी पूर्ण कर देते हैं।